खवातीन को मैं ये मालिकाना हुकूक पे बांध। साथियों, बाकी जो सियासी जमातें हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। इन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है। इसका नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। इनकी जो लड़ाई है, जो तख्ते लाहौर का लड़ाई है, उसका बोझ आप उठा रहे हो, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, पाकिस्तान की सूरत में नुकसान आपका हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम की सियासत में यकीन नहीं रखती। आप अगर हमें 8 फरवरी को हमारे साथ देते हो तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपका वजीर आजम बन के ये नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूंगा। आप देखें वो सियासी कुव्वतें जो सिंध में ये नफरत और तकसीम की सियासत की बोझ, वो सिंध में भी ये नफरत और सियासत की जो बीज है वो बोना चाह रहे हैं। आप तमाम सियासी जमातें को एक एक उठा के देखे जो हमारा मुकाबला कर रहे हैं। कोई मजहब की बुनियाद पे आपको तकसीम करना चाहते हैं, तो कोई लिसानी बुनियादों पे आपको तकसीम करना चाहते हैं, कोई फिरका वराना सियासत करके आपको तकसीम करना चाहते हैं। मैं बिला तफरीक आपका खिदमत करना चाहता हूं। अब आए आप पीपुल्स पार्टी के साथ थे, इन बाकी सियासी जमातों जो हमारा सिंध में भी नफरत और तकसीम की सियासत शुरू कर